हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़े डाउट के बारे में असली ईंट और नकली ईंट की पहचान कैसे करें ब्रिक्स क्वालिटी टेस्ट इट कंस्ट्रक्शन साइट आप जब भी ईंट खरीद रहे हैं तो कैसे पहचाने असली है या नकली सही है या गलत चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं, है, नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लीजिएगा ईंट की अगर हम बात करें या ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स की होती है जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और भी तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं लेकिन हम इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे सबसे पहला जो आपका आता है वो होता है सन ड्राइड और अन क्ले ब्रिक यानी कि ये आपकी पक्की हुई जली हुई ईंट नहीं होती और धूप में सूखी हुई ईंट होती है अगर आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको इसके बाद सात पॉइंट बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये असली है या नकली लेकिन उससे पहले ये छोटी सी कुछ बेसिक जानकारी समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बाद आता है वर्नक्ले ब्रिक थर्ड पे बात करेंगे फ्लाइस ब्रिक होती है इसके बाद आपकी कंक्रीट ब्रिक्स होती है इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग ब्रिक्स होती है और सैंड लाइम कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स होती हैं अब ये ब्रिक क्या होती है ये जनरल सा ओवरव्यू समझ लीजिए आपका जो ड्राइड और अनबर्न क्ले ब्रिक कहा मैंने ये आपकी यूज टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में होती है जो कंस्ट्रक्शन के आपके टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर हैं और ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होती यानी इसका टिकाऊपन अगर आप कहें तो बिल्कुल भी नहीं होता है अगर हम बात करें वन क्लेब्रिक की तो जो आपने देखे होंगे जो लाल ईंट यूज़ करते हैं उसको आप फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक की तरह उसे लेते हैं कौन कौन सी क्वालिटी क्या है वो भी आगे आप समझ लीजिएगा इसके बाद फ्लाई एस ब्रिक जो होती है आप सभी जानते हैं जो फ्लाई एस है हमारे फ्लाई फ्लाईस से बनती है जो चूने की राख होती है जो कि आपके एस या फिर आप किसी भी पावर प्लांट की जो राख होती है उससे बनाते हैं और कंक्रीट ब्रिक जो होती है आपकी कंक्रीट और वाटर वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है इंजीनियरिंग ब्रिक जो होती है आपकी स्पेशल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है अब बात आती है कि कैसे पता करें कि ये सही है या गलत यानी असली है या नकली सबसे पहला काम करें आप कलर देखें जो भी ईंट है आपकी इसका कलर जो है वो पूरा एक होना चाहिए इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईंट किस क्वालिटी की है पक्की है नहीं है किस तरह की है दूसरा पॉइंट यही रहेगा कि सही पक्की होना चाहिए और इसके साथ साथ इसके जो कोने हैं सभी चारों कोने होते हैं चारों कोने आपके बराबर होने चाहिए अब चारों कोने बराबर होना चाहिए इस पर मैं एक छोटी सी आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप अगर अपने मकान में यूज़ करते हैं कोशिश करें कि एक ही भट्टे से एक ही जगह से आई हुई ईंटों को यूज़ करें अगर आप ज़्यादा अलग अलग जगह की ईंटों का यूज़ करते हैं तो इससे प्लास्टर और ईंटों के साइज़ में अंतर आता है जिससे प्लास्टर में भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि ट्वेंटी परसेंट वाटर एब्जॉर्बेशन यानी कि जो आपकी ईंट है उसको आप अगर वजन करते हैं उसके बाद आप इसे पानी में चौबीस घंटे के लिए डाल देते हैं और उसे निकाल कर आप वज़न करते हैं तो अगर आपकी ईंट एक किलो की है तो उसका जो वज़न है एक किलो के बाद बीस परसेंट आपका बढ़ना चाहिए यानी दो सौ ग्राम आपका और होना चाहिए उस पर अब ये बात हो जाती है आपकी कि वाटर एब्जॉर्बेशन लेकिन यहाँ पर मैं आगे के पॉइंट बताऊंगा उससे पहले आप इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में समझ लीजिए अगर जो आपकी ए क्लास की ब्रिक है अच्छी ब्रिक है तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि आप अगर इसको तोड़ते हैं क्रश करते हैं तो वो सात से चौदह न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ मिलेगी और अगर इससे ज़्यादा मिल रही है तो आपकी ये ए ए क्लास की ब्रिक रहेगी यानी बहुत अच्छी क्वालिटी की रहेगी जो आज के समय में जनरली आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि अच्छी ईंट बनाने के लिए मटेरियल अच्छा लगता है साथ ही साथ इसे पकाना भी अच्छा पड़ता है मैं पूरी क्ले ब्रिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखें मैं ब्लॉक की बात या फिर फ्लाई एस की बात आज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर चौथे नंबर का पॉइंट है कि दो ईंट को टकराने में ये टूटना नहीं चाहिए अगर आप दो ईंट ले रहे हो दोनों हाथों से और टकरा रहे हो तो ये टूटना नहीं चाहिए तो हम इसे समझते हैं कि ये अच्छी ब्रिक है आपकी यानी असली है पाँचवें नंबर पर ईंट में कहीं भी पत्थर ना दिखाई दे आप अगर देख रहे हैं इसे तो एक चीज़ देखें कि यहाँ पर पत्थर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है बारीक बारीक पत्थर भी आपको ऊपर दिख जाते हैं वो ईंट भी खराब होती है और साथ ही साथ आप बीस से तोड़कर भी देख सकते हैं कि ये ईंट जो है इसमें अंदर पत्थर तो नहीं है ये आपका छठे नंबर का पॉइंट रहेगा कि बीस से आप इसे तोड़ें और देखें एक दो ईंट के सैम्पल आप देख सकते हैं ऐसा इससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और लास्ट पॉइंट सातवें नंबर का है कि वन मीटर की हाइट से गिराने पर टूटना नहीं चाहिए यानी एक मीटर तकरीबन आपका सवा तीन फिट की हाइट से आप अगर ऊपर गिराते हैं ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ये जो आपकी ईंट है ये नहीं टूटना चाहिए अगर इतनी सारी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं तो आप खुद पता कर सकते हैं कि ये ईंट आपकी असली है या नकली है पहचान करना आपके खुद के हाथों में है आप अपनी साइट पर ये सारी चीज़ें देखें समझें और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट करें आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू